सर मेरा पहला ये सवाल है कि जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट्स ये एक कैंपेन चल रहा है, ये है क्या आखिर? सर देखिए, ये जो कैंपेन चल रहा है ये हमारे देश के अंदर जो आर्मी के भर्ती देखने वाले बच्चे हैं उन लोगों का एक तरीके का गुस्सा आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल हो गए सरकार ने किसी भी तरीके से आर्मी के किसी भी पैटर्न को आप देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी किसी भी स्टेट में भर्ती नहीं निकाली है। लगभग लाखों बच्चे इंडिया के हर स्टेट के अंदर अपने दिन और रात मेहनत करके आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो भर्ती की तैयारी करते तो उनके लिए फिर भर्ती निकलनी भी चाहिए। अगर कोई बच्चा इंतजार करे 6 महीना 7 महीना 1 साल 1.5 साल, सर 1.5 से 2 साल हो गए और अभी किसी भी तरीके का कोई भर्ती आर्मी ने अभी नहीं निकाला। और सर 1.5-2 साल से तो अपनी कोविड का जो है ये टाइम भी चल रहा है, कोविड वगैरह होने इसके अंदर, तो सर कोविड हो रहे, तो आप एक बार को देखिए ना कि अगर देश के अंदर आप किसी भी स्टेट को लेकर के देख लें, आप बंगाल देख लें, यूपी देख लें, बिहार देख लें, दिल्ली देख लें, पंजाब देख लें, गोवा देख लें, आप वहां पे चुनावी रैलियां देखिए कितना हो रहा है, लेकिन आप वहां पे चुनावी रैलियां जहां पे 10-10 लाख वहां पे जनसंख्या वहां पे पहुंच रही है, वहां पे बीमारी नहीं पहुंच रही है। चलो ठीक है 1.5 साल 2 साल हो गए सर, लेकिन अब तो कम से कम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भर्तियां अब निकालें, क्योंकि सर रैलियां, चुनाव की रैलियां हो या एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी नौकरी हो तो उसके अंदर एक एज मिलता है सर, आप रैलियों का डेट बढ़ा दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन आर्मी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक का उनका एज होता है, अगर वो एज निकल गया तो क्या सरकार उनको एज में रियायत देगी, छूट देगी? एक दिन के लिए भी अगर आगे पीछे होता तो उनको रैली से धक्के मार करके बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2-2 साल जो हो गए जो उस पीरियड के अंदर जो बच्चे ओवर एज हुए उनका कैरियर का क्या, वो तो बेरोजगार हो गए। हाँ बात तो सही है। तो सर इसके अंदर और भी तो वैकेंसियां होती है, जैसे जो आर्मी नहीं है पुलिस के अंदर कर ले उसके अंदर। सर अभी ये जो कैंपेन चल रहा है हम लोग अपने आर्मी के बच्चों की भर्ती की बात कर रहे हैं, हमने किसी भी तरीके का कोई ये नहीं बोला। मैं जानता हूँ कि भर्तियां आप मान के भी देखो ना सर, जो अभी 2020 और 21 में एक भर्ती निकली थी इसका फिजिकल हो गया, इसका मेडिकल हो गया, लेकिन एक रिटर्न का डेट नहीं निर्धारित कर रहे हैं, डेट निर्धारित नहीं हुआ, आगे बच्चे पेपर नहीं देंगे तो भर्ती होकर के नहीं जाएंगे। आप किसी और भी भर्ती को लेकर के देख लीजिए आप कि इस 1.5 से 2 साल में कितनी भर्तियां निकली है। भर्तियां तो सर वैसे देखिए किसी की भी नहीं निकली है, अगर आप गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो किसकी भर्ती निकली है, किसी की भी नहीं निकली है, सिर्फ आर्मी की ही। सर मैं आर्मी के साथ साथ में अन्य भर्तियों की बात कर रहा हूँ कि देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर बीमारी है अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं ताकि देश के अंदर जो बीमारी है खत्म हो जाए, लेकिन आप एक चीज देखिए ना कि देश के अंदर दारू के ठेके चल रहे हैं, देश के अंदर चुनावी रैलियां चल रही हैं, देश के अंदर और अन्य गतिविधियां जितनी भी है कहीं कहीं पे 90%, कहीं कहीं के 100% पे भी चल रहे हैं, तो क्या जो एक देश के अंदर डिसिप्लिन से सारी चीजें संचालित होने वाली आर्मी की नौकरी है जिसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को बोल दिया कि आपको यहां बैठना और इस तरीके से करना है तो वो डिसिप्लिन में होकर के सारा चीज करते हैं, अपना प्रोटेक्शन लेकर के क्या वो अपना रिटर्न का एग्जाम नहीं दे सकते? तो रिटर्न का एग्जाम सर दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न की तैयारी करने के लिए वापस वही स्कूल इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा सर, वहां पे फिर ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। सरकार का ये कहना है चुनावी रैलियां जो होती हैं वो 10 से 15 दिन तक चलती हैं। सर मैं आपको बताता हूँ कि जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं बीमारी का उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है कि भाई अपना ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चुनावी रैलियां 10 से 15 दिन चलती हैं, सर पूरे 1.5 से 2 साल में ना देश के अंदर सिर्फ चुनावी रैलियां ही चलती हैं। चलो मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि 1.5 से 1 महीने में चुनावी रैलियां खत्म हो जाती है, तो सर सरकारी नौकरी की जो रैली भर्ती चलती है क्या वो 5 साल चलती है सर? वो भी तो 3 से 5 दिन में खत्म ही हो जाती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियां देखेंगे आर्मी की तो वो भी तो 5 से 7 दिन में भर्तियां खत्म ही हो जाती है, और जो ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या एक आश्वासन देंगे गवर्नमेंट सरकार, ये आश्वासन देगी कि उनका ओवर एज जो हो गए हैं इस बीमारी के पीरियड में उनको भर्ती देखने देंगे? और नहीं तो चलो ठीक है अब एक डेट बता दें कि 5 साल निकालेंगे, 2 साल बाद निकालेंगे या 1 साल बाद निकालें ताकि जो ओवर एज होने वाले वो किसी और चीज में लग जाए। आर्मी वाले बच्चों का एज बहुत शॉर्ट होता है, उनका एक टाइम पीरियड के हिसाब से उनको भर्तियां निर्धारित की जाए, उनके लिए भर्तियां निकाला जाए ताकि वो अपने उसके अकॉर्डिंग में मेहनत कर सकें और अपने सपनों को और देश की रक्षा करने में वो अपने सम्मिलित हो सकें। जी बिल्कुल ठीक है सर। एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि जो 17.5 से 21 साल, हाँ जी, अब फिर मैंने आपसे कहा था कि सर 27 साल में भी वो कुछ भर्तियां होती हैं
जो कर सकते हैं। सर आपने एक मुझे बात बताइए कि जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा होगा वो जाकर के पुलिस की तैयारी करेगा? एक ड्रीम होता है सर, एक ड्रीम होता है, हर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर या इंजीनियर साइंटिस्ट देश की रक्षा करने के लिए नहीं जाता सर। एक अंदर से जब किसी का जज्बात पैदा होता ना कि मुझे देश सेवा के लिए आर्मी चुनना है, तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज को ना उसी अकॉर्डिंग बना लेता सर। आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो अन्य भर्तियों में जाएं, तो क्या एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर वो पुलिस की भर्ती में आ सकते हैं? नहीं। जिस तरीके से वो नहीं आ सकते सर, उसी तरीके से हमारी लाइन के बच्चे भी, आर्मी के बच्चे भी उस लाइन में नहीं जाना चाहते। या फिर आप एक तरीके से ये भी कह ले कि जो इनका सब्जेक्ट है, जो इनका पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड है, वो और किसी चीज में फाइट नहीं कर सकते, वो सीधा बेरोजगार हो जाएंगे। तो सर अगर ये कैंपेन हमने चलाया, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट, सर खान सर ने भी एक कैंपेन चलाया था, बिल्कुल सर, आप उसका रिजल्ट देख ही रहे हैं। देखिए जो खान सर ने कैंपेन चलाया था उसके अंदर जो चीज हादसा हुआ, मैं आज भी अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि हम लोग ये सिर्फ अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप अपने एक मोबाइल के अंदर एक छोटा छोटा वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप लिखें कि आई सपोर्ट हैज जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट, और उसको आप किसी भी मतलब कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मतलब कि डालें, कंटिन्यू वीडियो डालें, जिससे कि मतलब कि वायरल होता है और गवर्नमेंट या किसी भी सरकार के किसी भी बंदे के पास ये बात पहुंचे कि सिर्फ रेलवे वाले ही परेशान नहीं हो रहे भर्ती को लेकर के, इसके अलावा भी और भी महकमे, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, ये भी परेशान हो रखे। तो जो हादसा उधर रेलवे वाले बच्चों ने किया, वो हादसा मतलब कि इस तरीके से आर्मी वाले बच्चे प्रोटेस्ट में या किसी भी चीज में ना उतर जाएं। तो हम लोग संदेश देना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। और संदेश अगर सर आपका ये उग्र हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सर हम लोग पहले भी बता रहे हैं कि हम लोग एक सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चों को एक शांतिपूर्ण ढंग से एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि प्लीज हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप हम आर्मी वाले बच्चों का भी ध्यान दें, कोई भर्ती निकालें, या फिर जिनका भर्ती निकाल रखा है, जिनका फिजिकल और मेडिकल कर रखा है, उनको रिटर्न कंप्लीट करवा करके उनको देश की सेवा के लिए ट्रेनिंग पर जाने दें। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप किसी जगह पे जंतर मंतर में इकट्ठे हो या किसी भी तरीके से, ऐसा कोई बात नहीं बोल रहे सर। सर मेरा एक सवाल और है कि पहले आरआरबी का हुआ था, दूसरी बार अब आप कह रहे हैं जस्टिस फॉर स्टूडेंट का एक आंदोलन, इसी तरह सर और भी निकाल लेंगे आंदोलन, कभी टीचर निकालेंगे, तो आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर? सर देखिए ये ज्यादा मतलब कि आप लोग खुद मतलब कि आप सोचिए कि बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पहले आरआरबी वालों ने किया, अब हम लोग अपने भर्ती की बात कर रहे हैं, या फिर उसके बाद कोई अन्य महकमा होगा जो अपने भर्ती को लेकर के बात करेगा, तो वो इस वजह से कर रहे हैं सर कि आप देखिए, अगर चलो ठीक है देश के अंदर बीमारी है, तो एक तरफ आप रैलियां देखें, 5-5 लाख 10-10 लाख खुद बोलते हैं, न्यूज में देखिए बोलते हैं कि फलाने के रैली में इतने लोग आए, इसके लोग इसकी रैली में इतने लोग आए, तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है सर कि रैलियां निकालने के लिए किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर भर्ती की बात करें वहां पे, तो वहां पे बीमारी और कोविड की बातें करने लग जाते हैं। तो सर देखिए आज के जो युवा है मतलब किसी भी तरीके से आंख बंद और कान बंद करके नहीं चल रहे हैं, सोशल मीडिया और सोशल पे सोशल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि सभी लोगों को पता लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, अगर ध्यान देती तो वो भर्तियां निकालती, और अगर भर्तियां निकालती तो हर महकमा आरआरबी को लेकर के, आर्मी को लेकर के, अन्य महकमा इस तरीके से प्रोटेस्ट पर नहीं उतरती सर। और दूसरी बात, अगर रियल में बीमारी है तो दुनिया के अंदर फैली हुई है, भारत के अंदर भी फैली हुई है, तो उनको हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर रैलियां और चुनावी चीजें बंद हो और उसके बाद देश के सिर्फ बीमारी के लड़ाई के बारे में बात करके सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए तो बच्चे समझेंगे। अदरवाइज आज एक जगह हुआ है, आज हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद कई जगह पे ना इस तरीके से एक्टिविटी होना शुरू होगा। लेकिन हम अपने बच्चों को, आर्मी वाले बच्चों को पहले भी बता रहे हैं और अभी भी बता रहे हैं कि हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के तहत में सरकार को, कि हमारे मजबूरियों को, हमारे बच्चों को, प्रॉब्लम्स को, जो ओवर एज होने वाले उनके दुख को समझें। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा सर, आपके हिसाब से अगर मान लो सरकार ये बात मान लेती है कि चलो रैली करवा देते हैं, भर्तियां निकाल देते हैं, तो आपके हिसाब से कैसे मैनेज हो सकता है? देखिए अगर हर जगह पे आर्मी की रैलियों को संचालित करने के लिए, आर्मी की भर्ती को संचालित करने के लिए हर जगह वहां पे कोई ना कोई टीम बनी रहती है, इसमें आप
मुझसे अगर एडवाइस लेना चाहते हैं कि कैसे हो, तो मैं आपको बताता हूं कि सर सिंपल है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, ठीक है, अगर आपको भीड़ से डर है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियां लेते हैं तो डिस्ट्रिक्टों को आप कम कर दें। अगर जैसे आप एक कोई भी भर्ती का आप IRO BRO ZRO लेते हैं, तो वहां पे आप 6-6, 7-7, 10-10 मतलब की डिस्ट्रिक्टों को ले लेते हैं। अगर आपको बैलेंस बना करके, अगर आपको भीड़ को कम करके भी करना, तो आप डिस्ट्रिक्टों को कम कर दें। अगर आप 5 डिस्ट्रिक्ट या 10 डिस्ट्रिक्ट के जगह पे आप 2 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती ले लें और कंटिन्यू सभी को मतलब कि आश्वासन भी देके, हाँ भाई भर्तियां चलती रहेंगी, तो कोई भी बच्चे ना तो उतना भीड़ होगा और ना ही प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। इस जो आपने प्लान बताया है, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप भी जानते हैं सर, इस समय लोग भर्ती देख रहे हैं, हाँ जी बहुत भर्ती देख रहे हैं, अगर 2 डिस्ट्रिक्ट की हमने भर्ती निकाली, उसमें मान लेते हैं 1000 वैकेंसी है, हाँ जी एग्जाम्पल के लिए 1000 वैकेंसी है, लेकिन 1000 भरने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोग आ जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोविड रूल हमारा जो है उसका वायलेशन? सर उतने बच्चे नहीं आएंगे जितने की रैलियों में आते हैं, और दूसरी बात कि जब आर्मी की भर्ती देखने के लिए वहां पे जाते हैं, तो जितने भी आर्मी के बच्चे होते हैं, वो कितने भी चाहे वो कैसे भी उत्पात करने वाले बच्चे हों, लेकिन जब वो आर्मी की भर्ती देखने के लिए रैली भर्ती में जाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको डिसिप्लिन दिखाई देगा। जहां पे जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे तैनात भर्ती लेने वाले जो भी सिपाही होते हैं या JCO ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो नियम और कानून होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज में चलते हैं। मास्क का बोलेंगे तो मास्क आप रैलियों में देखिए, कोई भी आपको मास्क लगा करके नहीं दिखाई देगा जल्दी, लेकिन बच्चों को अगर एक बार ऑर्डर मिल गया कि मास्क लगा करके आना, सैनिटाइज और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, तो सर A to Z वो फॉलो करके चलेंगे। और नहीं तो सर जब प्रोटेस्ट पे उतरते हैं तब भी तो मतलब कि इतनी भारी जनसंख्या में उतरेंगे, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि मतलब बच्चों को एक आश्वासन दे और धीरे धीरे करके उनको भर्तियों का मतलब कि संचालित करे, ताकि वो शांति से अपनी भर्ती की तैयारी करे और देश के अंदर बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट ना हो। तो आपका इसमें क्या योगदान रहेगा सर? सर मेरा योगदान देखिए, मैं कोई सरकार नहीं हूं, मैं अपने बच्चों के तरफ से, काफी बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप हमारे बारे में मतलब कि किसी न किसी तरीके से सरकार महकमे से बताएं। मैं इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट किसी सरकार से बोल सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर जितनी शक्ति है सोशल मीडिया का हम लोग सहारा लेकर के, मैं अपने सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने फोन के अंदर #ISupport आर्मी स्टूडेंट भर्ती को मतलब कि एक वीडियो बनाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू उसको वायरल करें, ताकि सरकार तक मैसेज पहुंचे और सरकार हमारे भावनाओं को समझे। और इस मुहिम में हम कंटिन्यू, जब तक सरकार भर्तियों के लिए मतलब कि कोई इंडिकेटर या कोई आश्वासन नहीं देता, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं अगर कोई बच्चा सपोर्ट करता तो भी, नहीं करता तो भी, मैं अपने जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं फाइट करता रहूंगा, कंटिन्यू लगा रहूंगा। और जो बच्चे मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग मतलब कि कंटिन्यू की डायरेक्ट मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं, आप लोग कैसे मुझे बताना चाहते हैं, गाइडलाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब करके डायरेक्ट भी जुड़े रहेंगे आप मेरे से। और इस मुहिम के अंदर देश के सभी युवाओं को जागरूक करने के लिए आप ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वो उतना ही ज्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण होगा और फायदेमंद होगा हमारे लिए।